चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी फिर देगी दस्ता। क्या इस लाइन के ऊपर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाले हैं? मैं नहीं चाहता हूं कि प्लीज़ जैसे कुछ चीज़ें मेरे साथ हो, पर अगर होनी है तो होनी है, लेकिन टीम में नहीं आजकल धोनी है। तो चलिए बिना किसी बक 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 के शुरू करते हैं इस आज के एपिसोड को, जो कि है निकॉन के D5100 नामक एक कैमरा का। ये कैमरा मैं आपको अगर बताऊं तो ये मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त ने मुझे दिया था, क्योंकि मेरा कैमरा, ये कहानी मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन ये जो कैमरा है निकॉन D5100 बहुत ही बढ़िया कैमरा है, और बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि इसमें हर वो चीज़ लगती है जो कि एक कैमरा को लगनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो इसको घुमाइए, और ये मुझसे तो ये हर बार घूमता नहीं, लेकिन आप इसे घुमाइए और आपको सही दिखने लग जाएगा। और यह है लेंस 18-55 की, मुझे इसको देख के लगता है बहुत ही अच्छा। और ये बटन है जिसको दबाते ही फ्लैश बाहर आ जाता है, और देखिए कैसे टैक टू टैक टैक टू, तो फिर से फ्लैश बाहर आ गया। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे कैमरा में यही लगता है, फ्लैश बाहर आना। और ये जो बटन है जिसको आप नीचे ऊपर कर सकते हो, उससे आप लाइव व्यू में जा सकते हो और वापस फिर से नॉर्मल वाले मेन्यू में आ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो शूटिंग करना है तो वही बटन आपका साथ देगा। ये देखिए इसका शटर खुल चुका है और ये शटर अब फोटो निकाल रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। इस कैमरे को हो चुके हैं 10 साल, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे आज भी तो ये आपको ऐसे ऐसे फोटोज़ देगा जो कि आपके आईफोन 14 या 15 प्रो मैक्स भी नहीं दे पाएगा। इस बात के लिए आप मुझे ना करो ट्रोल, क्योंकि मैं दुनिया घूम के आ चुका हूँ जो कि है गोल। अब ले लो मेरा कोई तो तुम पोल, क्योंकि ज़िंदगी में मेरे को नहीं चाहिए और कोई भी होल। ये है निकॉन और यही है आज का बोल। बकवास सा मैं बात करता हूँ कभी कभी, लेकिन ये कैमरा देखिए एक नंबर खुलता है। इसको जैसे चाहे आप वैसे घुमा सकते हो, अगर आप ऊपर हो, नीचे हो, आए हो, दाए हो या फिर कोई भी बाए हो, ये कैमरा आपको सामने से भी कवर कर लेगा, क्योंकि ये है एक घातक कैमरा। ये कैमरा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये सोनी भी इन्हीं सारी टेक्नोलॉजी लेके तो आ रही है, लेकिन निकॉन ये टेक्नोलॉजी 20 साल पहले ही लेके आ गया था, 20, 5, 10 जो भी है। यहाँ पे देखिए एक छेद है जहाँ कोई बैटरी डाल सकता है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी बैटरी है। इस येलो वाले चीज को दबाओ, बैटरी को बाहर निकालो और बैटरी को देखो एक बार, किसी मस्त बैटरी है, और उस बैटरी को फिर से अंदर उसकी जगह पे डाल दो। वहाँ पे एक स्प्रिंग भी है जिससे बैटरी डायरेक्ट धूप करके बाहर निकलती है। और ये जो आपके थंब के यहाँ पे घुमाने वाला जो ये चीज़ है, उससे आप शटर स्पीड, ISO, अपार्चर हर चीज़ चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो फिर बस ऑटो मोड पे जाइए। ये देखिए ये सारे इसके छेद हैं जहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि माइक में माइक, ऑक्स में ऑक्स, आउट में आउट, और HDMI में HDMI। तो ये है बहुत ही बढ़िया से पोर्ट्स, और GPS भी डाल सकते हो इसके अंदर। डालो डालो, तुम लोग को जो अच्छा लग रहा है वो डालो, बट यार तुम लोग क्या यार, चलो बाय, मेरे को बहुत गला सूख रहा है।